बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो च असीं गल करांगे बैंगन की काश्तकारी ते एक एकड़ दे विच किन्ना बीज इस्तेमाल हुंदा है, लाइना की तादाद, पनीरी लाने का तरीका ते पनीरी नूं लाने वाली दवाई दे बारे गल होए। दोस्तों मैं अमीन सरदार ते तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अज असीं मौसमी काश्त उत्ते गल करांगे बैंगन की मौसमी काश्त। तो इहदे लई सानू जिहड़ा सब तो पहले बीज ते असीं गल करांगे, बीज चाहिए हाईब्रिड जिहड़ा बीज है वह 40 तो 50 ग्राम सानू एकड़ की पनीरी तैयार करने वास्ते बीज चाहिए। वीडियो दे विच तुसीं देख रहे हो पैकेट और इहदे विच जिहड़ा बीज है बिल्कुल बरीक बीज है। तो इहदी सब तो पहले असीं ये 4 तो 5 पैकेट सानू जिन्हां दा वह गाओ अच्छा होवे पनीरी का वह चाहिए ने। उस पिछे असीं इन्हां पैकेटां तो इन्हां बीज दे वो पनीरी तैयार करा दे और फिर अगे असी उन्हां दी मौसमी काश करा दे। तो 4 तो 5 पैकेट चाहिए ने हाईब्रिड जड़े ने 10 ग्राम वाले, तो 50 ग्राम 40 तो 50 ग्राम एकड़ वाले। दोस्तों पनीरी तैयार करन तो बाद इहदी जिहड़ी मुंतकली है उहदे ते असी गल करा दे। दोस्तों पनीरी शिफ्ट करनी है तो उहदे लई जिहड़ा दिन का बेहतरीन हिस्सा है वह है सैकेंड टाइम, यानी 4 तो 5 बजे खेत दे विच पानी छड़ के तो पनीरी शिफ्ट करनी। पनीरी शिफ्ट को करन तो पहले जिहड़ा करन वाला काम है वह एक इंदियां जड़ां नूं असीं ट्रीट करना है। ट्रीट थायोफनेट मिथाइल टॉपसन एम तुसीं ला सकते हो या कोई भी फंजीसाइड जड़ा ना तुसीं इंदियां जड़ां नूं ला के तां पनीरी मुंतकिल करनी है। मुंतकिल करनी है दिन दे पिछले पैर, यानी 4 तो 5 बजे तुसीं जो धुप बिल्कुल घट होवे तां इहनूं मुंतकिल करना है पानी खेलियां दे विच छड के। उहदे बिल्कुल रेज तुसीं वीडियो दे विच वेख रहे हो कि उहदी रेज उत्ते असीं पौधे लाने तां जे असीं दुबारा दुबारा जदों पानी लाईए तां एक लैवल ते पानी पूरे खेत नूं सहराब करे और बाद चो फंगल डिजीज़ तों असीं बच सकीए, किसी भी जगह ते ओवर पानी ना होवे। तो पनीरी जिहड़ी शिफ्ट करनी है वह दिन दे पिछले पैर, पौधे तो पौधे दा जिहड़ा फासला 2.5 तो 3 फुट रखना है। ये मौसमी काश्त वास्ते आ, बारी काश्त दे विच थोड़ा जिहा ज़्यादा फासला रखा जाता है। तो दोस्तों अगर असीं गल करिए एकड़ दे विच लाइना दी कि एकड़ दे विच जिहड़ियां असीं लाइना किन्नियां लाणियां, तो एकड़ दे विच 25 तो लग के 35 तक लाइना लाइया जांदियां हैं। और बैंगन दे मुतलक ये भी है कि इहदे विचों जिन्नी अच्छी मौसमी जिहड़ी काश्त तुसीं करदे हो, जिन्ने अच्छे तरीके नाल हवा क्रॉस होएगी उन्नी ही अच्छी तुहानूं उहदे चों पैदावार मिलेगी और बीमारियां भी घट आउंदियां। तो इस वजह तो ही इहदे च 25 तो लग के 35 लाइना तक लाइया जांदियां, इहदे च घाटा वाधा हो सकता है। ये जिहड़ी हदायत है ये 8 करनाल दे एकड़ वास्ते आ। तो दोस्तों पनीरी तैयार करन तो बाद शिफ्ट करनी है तो वह इस तरीके नूं फॉलो करो। अगर तुसीं दवाई नहीं ला सके पनीरी नूं शिफ्ट करन दे टाइम, मुढ़ां नूं ट्रीट नहीं कर सके, तो फिर उहदे लई तुसीं पहले पानी दे उत्ते थायोफनेट मिथाइल टॉपसन एम फ्लड कर लो तो वह ज़्यादा बेहतर है, तां जो जमीन दे विच किसी किस्म की फंगस बाद चो साढ़े पौद्यां नूं डिस्टर्ब ना करे। क्यों जो एक लंबे अरसे तक चलने वाली फसल है तो ये फंगल डिजीज़ जिहड़ियां उल्ली रोग बीमारियां उन्हां तों मुतासर भी हुंदी है। तो इस गल्ल तों इहनूं ट्रीट जरूर करो। पनीरी तैयार करन दा तरीका फिर किसी अलग वीडियो तो तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। तो दोस्तों ये सी बैंगन की पनीरी लगाउण दा तरीका कि असी खेत दे विच किस तरह इहनूं लगाना है, किन्ना बीज इस्तेमाल हुंदा है, किन्नियां लाइनां ने, और पनीरी लाउण तों पहले जिहड़ियां एहतियातां सी उहनां ते असी इस वीडियो 'च गल कीती है। सो दोस्तों सानूं दिओ इजाज़त, वीडियो नूं शेयर करो, कमेंट सैक्शन दे विच सानूं जिहड़ियां गल्लां रह गईआं ने वो दसो, असीं उन्हां ते इंशाल्लाह फिर वीडियो बनावांगे। इंशाल्लाह कोशिश करदे हां सब्जियां दे आने वाले टाइम दे विच अच्छी तो अच्छी वीडियो असीं अपने वेखण वालां नूं दे सकीए। इन्हां गल्लां नाल दिओ इजाज़त, अल्लाह निगहबान।